दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ और आज दिन भर जो कुछ भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहे। अंधेरे में लट साप, चलो उठो, चलो उठो, उठ कर। हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय। आज ये उठ चुका है और इसको हाथ मुंह धुला के नाश्ता पानी खिलाना है और इसको भेज के मुझे ये सब ठीक करना है। बिस्तर इतना ज्यादा वो हो गया है, ये सब सफाई करूंगी। पहले इसको भेजूंगी, उसके बाद तो पहले इसको हाथ मुंह धोएंगे। देख, चलो हाथ मुंह धो के आके नाश्ता करेंगे, ठीक है? तो ये उठ चुका है तो इसको मैं नाश्ता खिला देती हूँ हाथ मुंह धो के। बेटू का नाश्ता तैयार हो गया है, ब्रेड, अंडा और जाम है ये, और इसको अभी खिलाना है तो उसके बाद स्कूल भेजना है। सुबह का नाश्ता तैयार है बेटू का। स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। आज ये शर्ट पहना रही हूँ और ये इसको नंगा कर दिया। हाथ मुंह धो के सब रेडी है तो रेडी सेडी गो ना। जूता पहने जाओ गेरा पापा से, जूता कल धो दिया। इचुल जा रहा है, इचुल आजा आजा, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। जल्दी जूता पहनो। आंटी को बोल के रखना कि ये सुसाते सीसी बोलता है, बोलते नहीं तो टाइम याद करके ले जाने से हो जाएगा आधा घंटा। बाय बाय, बाय बाय, तो बोलो बाय बाय। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, देर हो रहा है, आज बहुत देर हो रहा है। बाय, बाप बेटा चला गया है स्कूल ड्यूटी। बेटू चला गए, देखिए सब इधर उधर फैला के चला गए। ये सब ठीक करना है मुझे। देखिए बिस्तर का अवस्था, ये टेबल का अवस्था, ये सब नीचे, ये सब देखिए खिलौना सब इधर उधर फेंक के गया है, तो ये सब ठीक करना है। जल्दी जल्दी मैं साफ करूंगी। सब घर सब साफ हो चुका है, इधर उधर सब साफ हो चुका है और मेरा ये सलाद खाने का टाइम हो गया है। आज इसमें मैंने थोड़ा बादाम चिया सीड भी डाल दिया हूँ। 15 ऐसे हो चुका है लेकिन बिट्टू सोया हुआ है तो
तो ये आज स्कूल से बहुत देर से आया था, तो 12 ऐसे कुछ बजा था, तो आके इसको खाना खिला के, तो लाइट भी नहीं था, बहुत गर्म था, तो ये देर से सोए, फिर आके तो अभी तक सोए। मैं इसको उठाना उठाऊंगी थोड़ी देर, 10-15 मिनट मैं सोने देती हूँ, उसके बाद उठा देती हूँ। इतना गर्म हो रहा है कि बिस्तर में भी सो नहीं सकेगा। दरवाजा खुला हूँ लेकिन एक भी हवा भी नहीं चल रहा। कौन है ये नंगा आदमी? हेलो दोस्तों, कल का वीडियो मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, मैं कल कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। एक तो वीडियो मेरे नज़र से गुजरी तो वो देखा, तो मैंने अमेरिका का वो जोम्बी स्ट्रेट देखा था, तो जहाँ जोम्बी ड्रग्स इंजेक्ट करके आदमी लोग जिंदा लाश की तरह कैसा कैसा हरकत करते रहते हैं, और एक ठो आदमी का हाथ में ज्यादा इंजेक्ट करके ऐसा घाव पड़ा था। मैं वो देख के बहुत, मैं खुदा को बोल रही थी कि खुदा ये क्या देख रही हूँ, कि मुझे वो देख के कितना दुख लग रहा था, और खुदा को कैसा लग रहा होगा कि अपना हाथों से बनाया हुआ ऐसा हरकत कर रहा है। तो उन लोग को क्या दिन क्या रात, और क्या बारिश क्या गर्मी, कुछ भी पता नहीं है। इतना बेहोश में रहता है वो सिटी, इतना डरावना सिटी मैंने वो देखा कि खराब हो गया था। मैं रात में नहीं सो पा रही थी, 3 बजे तक तो मैं सोई ही नहीं थी, ऐसे मन में इतना ज्यादा बातें चलते रहे कि वो सोच सोच के तबीयत खराब हो गया था। तो सुबह के टाइम में मेरा 6 बजे 5:30-6 बजे को उठ के मेरा वर्कआउट होता है, वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया। मैं करती करती मेरा सर दर्द होने लगा और चक्कर आने लगे थे मैं, और जिसके बाद मेरा कोच मैम को मैंने मैसेज किया कि मेरा तबीयत खराब लग रहा है, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैम ने बाद में देखे थे तो वो मैसेज, लेकिन मैंने वो मैसेज छोड़ के मैंने वो क्लास भी पूरा नहीं किया। तो ऐसे वो देख के ना मैं परेशान हो गए थे, तो कल अच्छी तरह से मैं शूट भी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद इतना ज्यादा बार बार इतना ज्यादा लाइट जा रहा था, सुबह इतना घंटा लाइट गया 11:30 से 2:30 तक, इतना गर्मी और तगड़ा धूप लग रहे ना कुछ दिन से, तो उसके ऊपर वो बातें चलती रही। और मेरा सब एक्चुअल में मुझे मेरा दिल थोड़ा दुखा था वो देख के, पहले भी देखी थी वो, मैंने नजरअंदाज करके मैंने अच्छी तरह से नहीं देखा था। एक्चुअल में मुझे, मेरा हस्बैंड भी वो सब देखने के लिए मुझे मना करते हैं, लेकिन कल मेरा एक जो इंडियन भाई लोग का मैंने ब्लॉग देखी थी, वहाँ अमेरिका में है, एक तो वहीं पे काम करते हैं और एक तो वहाँ साथ गया था, तो उन लोग का ब्लॉग देखा था, वहाँ का डार्कनेस पार्ट दिखाया था अमेरिका का, वो फिलाडेल्फिया स्ट्रेट आप लोग ने तो देखा होगा, तो मैंने अच्छी तरह से नहीं देखा था कैसे वो ड्रग्स लेता है। वो स्ट्रीट ना इतना ज़्यादा ड्रग्स से भरा हुआ है, पूरा इंजेक्शन का सब वो इंजेक्शन पड़ा होता है, इधर उधर पड़ा देखा वो सब वो स्ट्रीट में, और आदमी लोग बेहोश, बाप रे कितना अजीब सा मुझे फील हो रहे थे। वो लोग तो जिंदा लाश थे, जिंदा लाश, उन लोग को कुछ भी नहीं पता कि आसपास में क्या हो रहा है। तो ये देख कर ना मैं थोड़ा परेशान हो गया था, इसलिए मैं कंप्लीट ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, नहीं तो रात में मैं कंप्लीट करते ही सो जाती थी। ब्लॉग को मैं यहीं पे इन करने जा रही हूँ, और फिर नया ब्लॉग में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।